लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का है ना, मैं हूँ देशराज यादव। और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी। बहरोड पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2,000 रुपए के इनामी बदमाश एवं करीब 2 वर्ष से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि एसपी दुष्यंत राजन के निर्देशन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 13 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी विनोद पुत्र श्रीराम निवासी नारनौल को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्थायी वारंटी इंद्रजीत पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी रेवाड़ी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। यदि आप बहरोड में 2 BHK फ्लैट की तलाश में है तो अच्छी लोकेशन पर हॉस्पिटल, स्कूल और कोर्ट के बीचों बीच NH 48 से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जागवास रोड पर KPSP टावर, जहां बड़ी पार्किंग व्यवस्था, लिफ्ट सिस्टम, बालकनी, सेपरेट लेट बाथ, शानदार रूम्स और आकर्षक किचन, फ्लैट नहीं है घर का माहौल आएगा नजर। चौड़ा जीना, खुला वातावरण, वाजिब रेंट पर उपलब्ध, छत पर आकर्षक टेरिस लुक, जहां पर किट्टी पार्टी के लिए मिलेगा अलग से माहौल। तो देर किस बात की, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टावर एक बार विजिट जरूर करें। प्रोप्राइटर सुनील कुमार शर्मा। बहरोड कस्बे में मिशन अम्बेडकर समिति बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मिशन अम्बेडकर के पदाधिकारी एवं अतिथि गणों ने होनहार विद्यार्थियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे भाजपा नेता एवं प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव, जिनका सोसाइटी की ओर से फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बस्तीराम यादव ने बताया कि होनहार विद्यार्थियों का सम्मान मिशन अम्बेडकर की एक अनूठी पहल है। शिक्षा समाज का वह पहलू है जिस पर समाज का आधार टिका हुआ है। साथ ही बताया कि संविधान एक ग्रंथ है जिसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जानकारी देते हुए बताया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की भ्रांतियां फैला रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना तो दूर की बात, सोचना भी संभव नहीं। आप भी अतिथि के तौर पर रहे, क्या कुछ रहा और क्या लगता है इस तरह के सम्मान से समाज में? मिशन अम्बेडकर मिशन बहरोड की तरफ से आयोजित इस संविधान दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। मैं मिशन अम्बेडकर के सभी साथियों को, मेघवाल समाज को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज के दिन भारत का संविधान लागू किया था, उनके द्वारा रचित जो संविधान था वो हमारे लिए बहुत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उदयमान दिवस है। आज का दिवस 26 नवंबर के दिन संविधान लागू हुआ था। और अब जो देश में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये संविधान एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान का ग्रंथ है, इसको कोई हाथ लगाएगा वही ख़त्म होने का काम करेगा। इसमें छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये खाली राजनीतिक रूप से कुछ पार्टियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने संविधान के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान को आरक्षण से कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये आरक्षण बदस्तूर रहेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस आरक्षण जब से लागू किया है, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लागू रहनी चाहिए। और संविधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था वो बदस्तूर जारी रहेगी, इसको कोई छेड़खानी करने का हिम्मत खिदमत नहीं कर सकता। मैं आज मिशन अम्बेडकर के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि संविधान दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 75वां संविधान दिवस है। इस संविधान के माध्यम से गांव, गरीब और गुरबे और दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है। जब शैक्षणिक रूप से, समान रूप से सभी स्कूलें, सरकारी स्कूलें ख़त्म करके एक व्यवस्था लागू कर दी जाए, तब शायद आरक्षण
ख़त्म करने की बात सोची जा सकती है। जब तक शिक्षा में असमानता होगी, राजकीय स्कूलों और कॉन्वेंट स्कूलों में अंतर ख़त्म नहीं होगा, तब तक आरक्षण ख़त्म किया जाना संभव नहीं है। और आरक्षण के हम हामी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, आरक्षण के समर्थक हैं, संविधान के समर्थक हैं, और आज संविधान दिवस पर शपथ लेते हैं कि आरक्षण बदस्तूर रहेगा और बाबा साहब का संविधान बदस्तूर रहेगा। आप मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। निमराणा के समीप नेशनल हाईवे पर शाम करीब 5:30 बजे चलती हुई हरियाणा रोडवेज में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद बस चालक ने तत्काल बस को रोक दिया, जिससे बस में सवार सभी यात्री कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हालांकि कुछ ही देर में आग ने पूरी तरह से बस को अपने आगोश में ले लिया। बस में सवार यात्रियों के अनुसार जैसे ही बस राजस्थान बॉर्डर में दाखिल हुई, अचानक उसके नीचे से धुआं उठने लगा। पास से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने इस बारे में चालक को सूचना दी। चालक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बस को रोक दी, लेकिन आग की खबर से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी जल्दी बस से कूदने लगे, अपना सामान भी बचाने की कोशिश करने लगे। हादसे के दौरान महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल था। बस में आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। निमराणा दमकल विभाग के इंचार्ज मेघराज ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे उन्हें इस घटना की सूचना मिली। इसके बाद तुरंत निमराणा से दमकल गाड़ी मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सब बाइक के दामों में मिलेंगी गाड़ियां। आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड हैंड जेन्युइन गाड़ियां, वह भी फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो आज ही कीजिए अपने सपनों को पूरा, अपने सपनों के उपहार को घर ले जाइए, वह भी कम कीमत पर। भाई बाइक के रेटों में गाड़ियां जो भी ज्यादा क्या चाहिए, इतना ही नहीं, जेन्युइन सर्विस, वॉशिंग, रेंटिंग, पेंटिंग, एक्सीडेंटल, गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस से कैशलेस की सुविधा। प्रोप्राइटर अमित यादव, नियर बाबा भास्कर नंद कट, NH 48, बहरोड। जयपुर में आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट नेशनल लेवल पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ौद नगर पालिका से 2 बच्चे साहिल और माइकल ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार दोनों बच्चे टूर्नामेंट के लिए गए थे, उनके लिए वे तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने खेल में बेहतर परफॉर्मेंस किया। उनका हौसला बढ़ाने के लिए कस्बे के निवासी मन्नू भाई ने होटल पर उनका वेलकम कर अभिनंदन किया। हालांकि उनकी तैयारी इतनी परफेक्ट नहीं थी, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बच्चे जीत नहीं पाई, लेकिन उनके भविष्य के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यह स्वागत सत्कार किया गया। बहरोड के साथ साथ निमराणा में भी रोनित अलाइनमेंट एंड सर्विस स्टेशन की सेवाएं शुरू। नियर हीरो चौक जयपुर रोड मोहलडिया, हमारे यहां पर गाड़ियों की बेहतरीन धुलाई के साथ साथ अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जाती है, वह भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीनों के द्वारा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। प्रोप्राइटर महेंद्र सिंह यादव, संदीप यादव, खोहरी वाले। निमराणा औद्योगिक क्षेत्र में नजदीक स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल बिचपुरी में संविधान दिवस के अवसर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा छात्र नेता मोहित यादव मौजूद रहे। विद्यालय द्वारा छात्रों को लोकतंत्र पार्लियामेंट के कार्यप्रणाली से रूबरू करवाने के लिए युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं, 9वीं व 10वीं के 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा संसद प्रतियोगिता में छात्रों ने आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान विश्वविद्यालय के युवा छात्र नेता मोहित यादव ने कहा कि विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्रों में कौशल, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। विद्यालय निदेशक राजेंद्र कुमार यादव ने भी सभी छात्रों एवं सभी शिक्षकों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया। मैं आज आप सभी के सामने हमारी एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करना चाहती हूँ। तो मैं एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूँ, जिसका नाम है बच्चों को स्कूल में दिया जाने वाला होमवर्क। और मैं मेरे विपक्षी साथी को खुलकर चुनौती देती हूँ कि तुम जाने दो तराजू में कि पलड़ा किसका भारी है, तुम जाने दो तराजू में कि पलड़ा किसका भारी है।
डिप्रेशन में जाते ही जा रहे हैं। हम इंडिया के और जापान के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं। इन जापान में क्या होता है कि है ना, बच्चों को स्टार्टिंग में ही फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, यानी कि उनको स्टार्टिंग में सिखा दिया जाता है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है कि अगर पब्लिक में हम बस में देते हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो फिजिकल जो चैलेंजर होते हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है। जापान में सिखाया जाता है कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप उन सीट पर बैठे। हाँ, अगर वो किसी सीट महिला के लिए है, वहाँ पे कोई महिला नहीं है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई महिला वहाँ पे आएगी वो सीट उसके लिए, तो आपको तुरंत खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हम खुद उन सीटों पे बैठे रहते हैं। अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया। आज मैं भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। 34 वर्ष के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो सही मायने में भारतीय शिक्षा को एक वैगिक पहचान दिलाने का सामर्थ्य रखती है। इस शिक्षा नीति को लाने का उद्देश्य भारतीय सतत विकास एजेंडा 2030 को पूरा करना है, जिसके तहत सभी को एक समान और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे रोजगार परक के अवसर बढ़ेंगे। यह बेरोजगारी को बढ़ावा न देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, जिससे देश आत्मनिर्भर बनकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस नीति के तहत विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने की अनुमति होगी। 10+2 के शैक्षणिक ढांचे के स्थान पर 5+3+3+4 को लाया गया है, जो सही मायने में भारतीय शिक्षा की दिशा को बदल कर रख देगा। इसके तहत विद्यार्थियों को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा बजट को 6% तक बढ़ाया है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, शिक्षा जीवन जीने की कला है, अतः युवाओं के पास जीवन जीने के लिए रोजगार होना चाहिए। यह शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगी। यह नीति विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। बहरोड कस्बे में स्थित बाबा श्री नारायण दास अभिनव PG महिला महाविद्यालय बहरोड में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम द्वितीय तृतीय के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर चंद्र शेखर, समिति उपाध्यक्ष लोकेश कुमार मीणा, राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष हंसराज आर्य ने माँ सरस्वती एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कार्यक्रम में स्वयंसेविकाओं को संबोधित करते हुए राजनीतिक विज्ञान अध्यक्ष हंसराज आर्य ने कहा कि संविधान किसी भी देश का हृदय होता है। संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रदान करता है, इससे संविधान का सम्मान करना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान हमें मूल अधिकार प्रदान करता है, जिससे हमें अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। वहीं इस अवसर पर समिति अध्यक्ष महादेव प्रसाद, उपाध्यक्ष लोकेश मीणा, उपाचार्य नवीन कुमार यादव, प्रोफेसर हंसराज आर्य, कैलाश चंद सैनी, अजय कुमार, सुनील कुमार यादव सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो आज के दिन भर में यही है खास, कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास।